छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शादी कार्यक्रम में दो पुलिस सिपाहियों और उनके साथियों की ओर से अभद्र व्यवहार किए जाने के बाद हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता में रिटायर्ड फौजी संजीत विश्वकर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो बापूनगर खुर्शीपार थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में गए हुए थे, जहां दो पुलिस सिपाही नशे में अभद्र व्यवहार कर रहे थे। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई तो सिपाहियों ने उनसे और उनकी पत्नी से अभद्रता और गाली गलौज करते हुए उन्हें धक्का भी दिया। लेकिन जब सिपाहियों को ये जानकारी मिली कि वो पूर्व सैनिक हैं, तो उन्होंने माफी मांग कर मामला शांत करा दिया। लेकिन बाद में फौजी ने एहतियात के तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर एफआईआर दर्ज करवा दी, जबकि अभी तक रिटायर्ड फौजी का एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया है। फिलहाल रिटायर्ड फौजी ने पुलिस पर दोगले रवैये का आरोप लगाया है। देखिए, पिछले महीने 24 तारीख की बात है, मैं एक शादी के समारोह में गया हुआ था। दो पुलिस वाले शराब के नशे में धुत बिल्कुल शादी समारोह में उपद्रव कर रहे थे, स्टेज पे चढ़कर शराब पीकर हंगामा कर रहे थे, अश्लील हरकतें कर रहे थे। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे पकड़कर बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद मेरे साथ गाली गलौज करना चालू कर दिया, मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे वो लोग। मैंने तत्काल एसपी साहब को फ़ोन भी लगाया। मैंने एसपी साहब ने कहा कि आप वीडियो बना लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए उनकी। इसी बीच मेरी वाइफ ने जाके वहाँ पे झगड़े को ख़त्म करने का प्रयास किया, तो उसमें से जो एक पुलिस कर्मचारी थे जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, उन्होंने धक्का देकर मेरी वाइफ को गिरा दिया। अब मामला सर ऐसा हुआ कि वहाँ पे जब भीड़ लगी तो मैंने अपने बच्चों को पत्नी को बचाकर वहाँ से मैं निकल गया मैं। लेकिन फिर भी दूसरे दिन सुरक्षा की दृष्टि से मैंने थाना खुर्सीपार में शिकायत भी दर्ज कराई। वहाँ पे टीआई वीरेंद्र साह श्रीवास्तव जी से बात भी हुई हमारी। उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ पे पुलिस विभाग है एक तरफ, तो इस मामले को हम यहीं रफा दफा करते हैं और आगे इसमें कार्रवाई नहीं करते हैं। क्योंकि 10 से 15 दिन बाद मुझे पता चलता है कि मेरे खिलाफ़ एफआईआर दर्ज हो चुका है और मेरे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इतना सब होने के बाद भी मैंने करीबन 10 दिन पहले अपना मुचलका कराया। मुचलका कराने के बाद में उन्होंने बोला ठीक है, ऐसी नॉर्मल है, आप आ जाइए थाने में, कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। परसों के दिन की बात है, फिर से उन्होंने पुलिस वालों को मेरे ससुराल में भेज दिया कि आप वहाँ से एक बंदे को और लेके आना है, आपके एक नहीं आपके दो लोगों के नाम इसमें दर्ज होंगे, आपके अकेले नहीं थे इसमें। मेरे आवेदन की कोई जाँच नहीं हुई। सबसे मेन बात यह कि मेरे आवेदन की कोई जाँच नहीं हुई, उन पुलिस वालों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है टीआई वीरेन जी के द्वारा, थाना प्रभारी जो कि कुर्सी पार के हैं, उन्होंने पुलिस वालों को बचाने के लिए एफआईआर 25 तारीख को लिखी, 24 तारीख की घटना है। उन पुलिस वालों के पास वायरलेस था, वायरलेस से चाहते तो वो थाना मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था, वो तत्काल। हमारी मांग यह है सर कि देखिए, इस पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय सख्त से सख्त कार्रवाई करें, पुलिस अधिकारियों के पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ जाँच कर और दंडित करें उन्हें। अगर इस प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता तो आगे क्या रणनीति? देखिए, हमें विश्वास है कि पुलिस अधीक्षक महोदय इस पे कार्रवाई करेंगे। अगर वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम